तुम हमारे साथ चलो भैया जी। तुम हमका कंटाप देने में मजबूर काहे कर रहे हो, का होगा क्या तुमका? हाँ फिर पागलपन काहे शुरू कर दिए हो? तुम हमारे साथ चलो भैया जी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। पीले पीले गुलाब ओ, हम तो खड़े थे, नीचे क्या कर रहे? क्या होगा क्या तुम कहा? हमरे साथ चलो, हमरे साथ चलो। कहाँ जाना है? ये दौरा काहे पड़ रहा है तुमका? यहाँ का कम समस्या जो एक और खड़ी कर रहे हो, ये फिर से शुरू हो गया। चंदू हो क्या रहा है तुम्हें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुजा समझ में तो हमका भी नहीं आ रहा है कि हमका हो क्या गया है। असफल, फिर से असफल, बेकार। जी बाबा। कि चंदू बार बार पीले रंग के सामने पहुंचकर हमारे सम्मान से बाहर कैसे आ जाता है? इस बार भी वो हमारी आज्ञा का पालन करने से चूक गया। हमका बराबर समझ में आ रहा है कि हो का रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ कितनी बार समझाए तुमका, भांग का पान नहीं खाया करो, काहे खाते हो? ताजी हम सच कह रहे हैं, हम भांग का पान नहीं खाए और हमारा सर इतना भारी काया हो रहा है। चंदू चंदू आराम से, मुझे लग रहा है ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें एक नींद की गोली देती हूँ, वो खाकर तुम सीधा कल सुबह उठोगे तो तुम्हें बेटर फील होगा। मैं अभी ले। पेट अच्छा है, सर भारी हो रहा है। हा? पान नहीं खाए ना? ये लो। भैया जी यज्ञ की सारी तैयारी हो गई है। ओ, फिर तो हमें निकलना चाहिए। मोटे बाप हम जाकर आते हैं। ए गुलो, ये देखो यज्ञ जो है ना वो पूरी श्रद्धा से करना, ताकि तुम्हारे जीवन में जो भी संकट है ना वो टल जाएगा बेटा। Finally, पूरे घर में आज मैं अकेला हूँ। हाँ, बहुत डांस किया। हाँ, पुष्पा और देवी ना भूमि की शॉपिंग करवाने गए हैं। पार्टी तो पक्का पार्टी। डिंकचकी डिंकचकी लग गए लोटे। आओ। सर ये पार्सल है। किसका है? तो डॉक्टर ईरा पांडे के नाम का कुरियर है। दो। जाओ। डॉक्टर ईरा पांडे देवी ने मेंशन। ये का है? गधे कहीं के हा? रिपोर्ट भेजनी थी तो ईमेल से भेज देते, इतनी बड़ी फाइल भेजने की क्या जरूरत थी? वो तो अच्छा है कि मेरे हाथ में आ गई। पुष्पा और देवीना को पता चल जाता तो उसको रफा दफा कर देते हैं, जला देता हूं। मेरी बात समझो, ये आदमी एक्टिंग कर रहा है, कुछ नहीं हुआ इसे। He is absolutely fine. तुम चल सकते हो ना? हाँ, तुम चल सकते हो ना? He can walk. You get up. बिल्कुल ठीक है ये। पैर हिलाओ अपना। ठीक हो ना तुम? बाबा बूबू,
कितने बड़े ड्रामेबाज। बटुक। अरे मोनिका के भैया, गुलू के बाबू, हमको माफ कर दो, माफ कर दो गुलू के बाबू। डिजर्व इट। चुप रहो तुम। गुलू के बाबू, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। पुष्पा, आई एम टेलिंग यू, दिमाग चलाओ। ये आदमी हमें मिलकर बेवकूफ बना रहा है। डोंट बी अ फूल। हां वो तो हम हैं। गुलू के बाबू, हम कहां हमेशा गुलाब का फूल बुलाते हैं। Oh my God, shut up! Please, मेरी बात समझो, दिमाग चलाओ अपना। Stop acting. चुप रहो। आ गुलु के बाबू, उठे चलो उठो। Oh, get up! I know you can stand up. Get up! आ चुप रहो। आ बैठो। आ गुलु के बाबू। Wait a minute. एक मिनट। ये क्या छुपा रहे हो? क्या इस फाइल में? क्या है फाइल में? फाइल मैं खुद देख लूंगी। बाबा बुबू बटू, खबरदार, ये गुलू के बाबू के काम के कागजात है, हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है का? तो गिव दैट टू मी। हमको दे दो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी बीपी। दबिना, छोड़ो, पैसे पहले हम तुम्हें गला दबाए देंगे। एक गुलू के बाप पहले से इतने भूखे हैं कि कागज का टुकड़ा खा लिए, और तुम होके उनका परेशान किए जा रहे हो। फॉर गॉड सेक, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। काफी बातें हो गई तुमने, चुप रहो अब। पुष्पा, यह भी भरोसे के लायक नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। इन कागजात में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो ये हम सबसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों मिलके गुलू के बापू के लिए पूरी और आलू का भरता बनाते हैं। अरे भरता तो मैं इसका बनाऊंगी। इससे पहले हम तुम्हें खिचड़ी बनाते हैं। चलो तुम्हारा तुम्हें कीमा बनाऊंगी। अरे चुप रहो। अरे हां, यू ब्लडी। जान बचे तो लाखों पाए। अच्छा है कि पुष्पा और देविना ने अखिलेश की रिवर्सल का रिपोर्ट नहीं देखा, तो पुष्पा का तो दिल टूट जाता और देविना उसके जख्मों पर नमक छिड़कती। बस अब ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि गुल्लू के सर से बलाएं टल जाए। अब जल्दी से ईरा वो क्या कहते हैं, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से मां बन जाए। हाँ, बस यही प्रार्थना है कि अखिलेश और ईरा का यज्ञ अच्छे से हो जाए। चंदू, जागृत हो जाओ। चंदू, जागृत हो जाओ। चंदू, हमारी आज्ञा तुम्हें सुनाई दे रही है या नहीं? और अगर सुनाई दे रही है तो आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? ओम बम बंगारू नमः। ओम बम बंगारू नमः। हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हो मूर्ख? जल्दी से अखिलेश को हमारे पास लेकर आओ। लाओ उसे जल्दी। जो आ गया बाबा। ओम बम बंगारू नमः। है चंदू, इतनी जल्दी उठ गए? नींद की गोली का असर तो सुबह तक होता है ना। हाँ? चाची, भैया जी कहाँ हैं? क्या हुआ भैया जी कहाँ हैं? अरे एक ही बात बार बार कहे दोहरा रहे हो, अब उड़ा गए हो का? जाओ जाके सो जाओ। अखिलेश इतनी आसानी से तुम्हारे साथ नहीं आएगा बच्चा। तुम्हें अखिलेश को अपने साथ लाने पर विवश करना होगा। हो सकता है तुम्हें धोखे से जोर जबरदस्ती करके अखिलेश को अपने साथ लाना पड़े, इसलिए जब तुम
तुम अखिलेश के पास जाओ तो अपने साथ एक मजबूत रस्सी लेकर जाना। हो सकता है कि तुम्हें अखिलेश के हाथ पैर बांधने पड़े। जी जी क्या हुआ? हाँ हम तो कुछ बोले नहीं। जी काहे बोल रहे हो? जाओ जो कि सोई जाओ, लगता है नींद मचल रहा है। अरे वो कहाँ जा रहे हो चंदू? कहाँ हो गया ये लड़के को? लेट कहेगा। ये देखो अम्मा। गुल्लू है तुम्हें ना गए? ये पूजा कैसी रही? पूजा बहुत अच्छी रही मोटी माँ। चलो अच्छा है, सब उर्ली मनोहर की कृपा है। अब देखना भगवान की दया से पूजन के बाद हम बहुत जल्दी दादी बनेंगे। ऐ बिटिया अब ना तुम कमर कसना शुरू कर दो। काहे कि अगर गुल्लू का लल्ला गुल्लू की तरह शैतान हुआ ना तब तो तुम्हारी रातों की नींद हराम हो गई, सोच लेना। तुमको पता है गुल्लू बचपन में कितना शैतान था? अरे दिन भर उठक पटक, ई तोड़ ई फोड़ो, दीवार से टकराना और फिर दुनिया भर का रोना। तुमको याद है कि नहीं? तुमको कहा याद होगा, तुम इतने से तो थे। कहा हुआ दुलिन? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? लगता है लल्ले के बारे में सोच के शर्मा गई। तुम कहाँ इतनी उतावली हो रही हो? अरे हमरा ऑपरेशन तो हो जाने दो। अरे ऑपरेशन होगा ना, हमें दुल्हन जाए डॉक्टर है वो तुमने ऑपरेशन किए बिना तुमका छोड़ेगी का? जैसे ही अखिलेश तुम्हारे पास आए उसके हाथ पैर बांध कर उसे हमारे पास ले आओ। चंदू अभी कौन नया खेला खेल रहे हो? भैयाजी आप आ गए? हाँ ये रहे तुम्हारे भैया जी। क्या हुआ ये रस्सी ले कहाँ जा रहे हो? रस्सी? कौन सी रस्सी? ये हाथ में रस नहीं तो लस्सी है का? का है? ये कब आए हमारे हाथ? ऐ गुल्लू इका का हो गया? थोड़ा पगलाट हो गया का? सुबह से एक ही रट लगा रखा है। भैया जी कहाँ है? भैया जी कहाँ है? हाँ लगता बौरा से गए हैं। अब देखो रस्सी नहीं लेकर आया। तुमको बांध के रखने के लिए कहीं जाने नहीं दी गई। दूध पीते हुए छोटे बच्चे हो का? हम कछु समय के लिए बाहर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। का हो का गया है? ये छोड़ो इका। अरे क्या हुआ है? भैया जी हमका चक्कर आ रहा है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो जाओ जाके आराम करो, छोड़ो ये सब। रखो इका जाओ। हाँ हम जाके आराम करते भैया जी। असफल चंदू आंस लगाए बैठी है, लेकिन सच बात तो ये है कि अखिलेश कभी बाप नहीं बन सकता। अखिलेश की रिवर्सल कभी नहीं हो सकती। कैसे बताऊं उन्हें? उनका तो दिल ही टूट जाएगा। तो हमने लिए जलेबी काहे नहीं लाए? अरे अम्मा हम तो लाए थे, तुमरे ऐसे की जलेबी इरा जी ने खा ली। का? फोन आ रहा है। हेलो जी का? बोलो इरा जी, इरा जी, इरा जी, इरा जी, गुल्लू कहाँ हुआ? सब पता चल जाएगा अम्मा। इरा जी नीचे आइए। अखिलेश को क्या हो गया? अभी तो ठीक था। क्या हुआ अखिलेश? झूठ खाए बोला हमसे। झूठ? कैसे झूठ? बड़े डॉक्टर साहब का हमका फोन आया था,
और उन्होंने हमसे कहा कि हमारी नसबंदी पलटने का ऑपरेशन नहीं हो सकता, और आप ये बात जानती थी। ये बात काहे छुपाई हमसे? अरे बोले गंगा भैया, इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे तुमने? हमका धोखा देती आई हो तुम, और हम यहाँ बहुरा के दादी बनने के सपने संजो रहे हैं। काहे ऐसा क्यों? आई क्यों? बूढ़ी बाप, तुम हमका वचन दी थी ना कि तुम हमसे कभी झूठ नहीं बोलोगी, फिर इतनी बड़ी बात छुपाने की कौन जरूरत थी दुल्हन? काहे अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? बूढ़ी बाप, जितनी हानि जितनी ठेस हमने नसबंदी करके हमका पहुंचाई हो ना, उससे अधिक ठेस हमका ये बात छुपा कर पहुंचाई है। आप हमेशा से हमरे लिए गलत थी। ये प्रेम की पट्टी हमरे चेहरे पे बांधी है आपने, ये हमारी अम्मा की भावनाओं के साथ अब तक खेलती आई है आप। और जो महिला हमारी अम्मा की भावनाओं के साथ खेलती है ना, ऊपर हम कभी विश्वास नहीं कर सकते। आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं हम, और ये घर में आपके लिए अब कोई जगह नहीं है। चली जाइए अखिलेश। अखिलेश बाप, ये घर में एक पल भी नहीं ठहरेंगे हम, कह रहे हैं। अखिलेश अखिलेश प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये बात नहीं छुपाना चाहती थी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी अखिलेश, मैं बस तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे अपने आप से अलग मत करो अखिलेश प्लीज। अखिलेश के सीमेन सैंपल से प्रेग्नेंट होने के 50% चांसेस है। अगर भगवान ने चाहा तो अखिलेश के बच्चे की मां बन जाऊंगी, फिर उसके बाद अगर मैं मोटी बा और अखिलेश को इस बारे में बताती हूं तो शायद उन्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी। लगता है प्रवास के कारण थक गई है, आंख लग गई होगी। जानती हीरा जी, अम्मा के उत्साह को देखकर हमारे मन में भी पिता बनने की आस जगी है। जब हमारा लल्ला हो जाएगा तो हमका लगेगा कि हमारा परिवार भी पूरा हो गया। हम हमने लल्ले को दुनिया की सारी खुशियां देंगे, कोनो चीज की कमी नहीं आने देंगे, हम बहुत अच्छे पिता बन के दिखाएंगे, बहुत अच्छी सीख देंगे। हमारे पिताजी की तरह उनका प्रेम से वंचित नहीं रखेंगे हम, ये वचन है हमारा।